वेलकम बैक टू माय दिस अमेजिंग डिलीशियस चैनल ऑफ कुकिंग विद शीतु। सो फूडीज, आज हम बनाने वाले एक बहुत ही यूनिक टेस्टी एंड क्यूट डिश जिसका नाम है, एनी गेसेस गाइस? चलिए बता देते हैं। सो गाइस, आज हम बनाएंगे पनीर बर्गर चाट एंड ये बहुत ही डिलीशियस डिश है और बहुत ही क्विक रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसके लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर लिया हुआ है, बिल्कुल फ्रेश पनीर है। एंड यहाँ पे दो बॉयल्ड पोटैटोज लिए हैं और यहाँ पर मैंने फाइनली चॉप्ड करके टोमेटोज लिए हैं एंड चॉपिंग करके मैंने अनियंस लिए हैं। एंड गाइस, अगर आप इसके साथ कुछ और भी वेजेस लेना चाहते हैं तो आप वो ईजिली ऐड कर सकते हैं। एंड ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे दो बंस लिए हुए हैं एंड मैंने इनका बीच का मिट का पोर्शन मैंने नाइफ से कट करके निकाल लिया है ताकि हम जो फिलिंग बनाएंगे वो हम इसमें फिल कर सकें। एंड जब हम इसके बीच के मिट का पोर्शन निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें जो भी फिलिंग अपनी प्रिपेयर करेंगे वो हम इसमें फिलअप करेंगे, जो कि इस डिश को बहुत ही टेस्टी बनाएगा। एंड गाइस, जो हम फिलिंग प्रिपेयर करेंगे वो इस डिश का सबसे मेन पार्ट है। ये फिलिंग गाइस इस डिश को डिलीशियस बनाती है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर पनीर को स्लाइसेस में कट कर लिया है और अब हम इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे वो सब इसमें ऐड करेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे सभी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इजीली स्किप कर सकते हैं। एंड इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। एंड अब हम गाइस इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे जो कि इसके फ्लेवर को बहुत इनहेंस करेगा और थोड़ा सा कोरिएंडर हम चॉप करके डालेंगे। एंड गाइस, जो हमने पनीर इसमें ऐड किया है वो हेल्थ के लिए हमारी बहुत अच्छा होता है और इसमें जो वेजीज ऐड किए हैं वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्प करती हैं। सो आप ट्राई करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज ऐड करिए। और अब हमने गाइस इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है जो कि विटामिन सी का बहुत ही अच्छा गाइस सोर्स होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अब ये देखिए गाइस, मैंने अपने सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करके स्मैश कर लिया है जिससे इसकी फिलिंग करना गाइस इजी हो जाएगा। एंड गाइस, जो हमने अपने बंस का मिड पार्ट कट करके निकाला हुआ था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसे भी गाइस हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। सो फाइनली गाइस, अब मेरी जो भी फिलिंग थी वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो चुकी है। सो गाइस, अब हम अपनी फिलिंग को अपने बंस में फिल करेंगे अच्छी तरह से। सो गाइस, हमने बंस में अपने मिड पार्ट को फिलिंग के लिए प्रिपेयर किया हुआ था कट करके, वो उसमें हम अच्छी तरह से मिड सेक्शन में फिलिंग अपनी फिल कर देंगे। सो गाइस, अब हमने अपने बंस को अच्छी तरह से फिलअप कर लिया है एंड अब हम इन्हें रोस्ट करेंगे। एंड गाइस, अब मैंने यहाँ पे तवा लिया है और उसमें थोड़ा सा बटर ऐड किया है। एंड गाइस, जब ये थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा तब हम अपने बंस इसमें रोस्ट करेंगे। सो ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अपने बंस को रोस्ट करने के लिए रख दिया है।
और अब हम इन्हें बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारे बंस कितने अच्छी तरह से रोस्ट हुए हैं और ये देखने में कितनी ज्यादा डिलीशियस यम्मी लग रहे हैं। एंड रियली गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, आप ट्रस्ट मी गाइज, ये आपके बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी डिश है गाइज, बिकॉज इसमें आप जानते हैं इसमें बहुत सारी आपने देखी वेजीज ऐड की है मैंने और पनीर भी ऐड है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सो गाइज, ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस और हेल्दी डिश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड जैसा कि आप सब जानते हैं गाइज कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते, सो आप ये घर पे बनाइए सबके लिए, आप ये ट्राई करिए, आपके बहुत ज़्यादा पसंद आएगा गाइज, ट्रस्ट मी आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये काफ़ी हेल्दी डिश भी है, सो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। एंड मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और इसमें कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई, प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और अपने व्यूज मेरे साथ शेयर करिएगा। एंड गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे जो फ्रेश वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको मिलते रहें। एंड गाइस, अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सबके साथ शेयर करिएगा। सो गाइस, चलिए अब इसे थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव बनाते हैं, इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो इसमें हम थोड़ा सा टोमेटो सॉस से गार्निश करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों को अट्रैक्टिव पहले लगना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए, तभी उन्हें पसंद आती हैं चीज़ें। एंड कोई गेस्ट भी आते हैं, अगर आप उनके लिए कुछ बनाते हैं तो वो देखने में सबसे पहले अच्छा लगना चाहिए, बाद में वो जाके ट्राई करते हैं। हर एक डिश की प्रेजेंटेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए, सो इसे हम अच्छी तरह से गार्निश करेंगे, इससे उसका फ्लेवर वगैरह सब बहुत इन्हेंस भी होता है और ये देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। सो ये देखिए गाइस, हमने इसमें थोड़ा सा टोमेटो सॉस ऐड किया है और अब हम इसमें थोड़ी सी भुजिया ऐड कर रहे हैं। अगर आप कोई और नमकीन या मसाले वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इसलिए ऐड कर सकते हैं, एंड अगर आप इसे टॉपिंग करना चाहते हैं कोई वेजीज़ की तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कोरिएंडर चॉप करके गार्निश किया हुआ है, एंड अगर आप अनियन वगैरह जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ईज़िली ऐड कर सकते हैं गाइस, ये उसके टेस्ट को भी बहुत अच्छा करेगा और देखने में उसे बहुत ही अच्छा बनाएगा, अट्रैक्टिव और मोर अट्रैक्टिव बनाएगा। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है बिकॉज ये बर्गर चाट है, जैसे आप सब जानते हैं ये पनीर बर्गर चाट है एंड ये बहुत ही टेस्टी है गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा एंड सबके साथ शेयर करिएगा। एंड अगर आपको ये डिश पसंद आए तो गाइस प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ बहुत अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। सो गाइस, ये देखिए मेरी फाइनली डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देखने में कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है, अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, जो कि सबको देखने में बहुत पसंद आएगी, खाने में तो आप सोच नहीं सकते उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। सीरियसली गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और सबको खिलाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सबके साथ। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अपने मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, एंड अगर आपको कोई और डिश की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।